अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ने घर में खुश और मुतमईन होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है वो है बिन मसाला की रेसिपी के बारे में। आज जब मैं अपने किचन में बिन मसाला बनाई थी तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं उसकी रेसिपी। बहुत यम्मी बनती है ये, बहुत टेस्टी बनती है। आप ज़रूर ट्राई करनी है, आप लाइक सब्सक्राइब लाजमी करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे जनाब, हम करेंगे ऑयल लेंगे जो कि 2 से 2.5 खाने के चम्मच ऑयल लेंगे इसमें। और हम 2 प्याज लेंगे जो मेरे साइज की, अगर हमारे पास बड़ी साइज की होगी तो 1 लेंगे। ज़्यादा प्याज नहीं डालेंगे हम। इसको क्या करेंगे, अच्छी तरीके से ऑयल फ्राई करेंगे। हमें ना ब्राउन करनी ना हम इसको डार्क करना, उसे सॉफ्ट करना इसको। आपने मेरी वीडियो पूरी एंड तक देखनी है, लाइक सब्सक्राइब लाजमी करना है मेरी वीडियो को। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है जो ट्राई करें ना कि आपको कैसी लगी रेसिपी। बहुत टेस्टी बनती है, बट सही बता रही हूँ। अच्छा जी, आपने देखना है कि जब सी सॉफ्ट हो जाए तो अपने चमचा हिलाना है। अब हमारे पास है टमाटर, 2 टमाटर हैं और 3 हरी मिर्चें। टमाटर को बारीक बारीक हमने गोलाई की तरह काटना है। तो हम लहसुन अदरक पीस लेंगे, ये मैं ताज़ा ही पीसती हूँ। आप भी फ्रेश पीसा करें, ज़्यादा अच्छा पीस जाता है। जब हमारे प्याज सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम यही टमाटर और हरी मिर्चें डाल देंगे और लहसुन अदरक पेस्ट डालेंगे। लहसुन अदरक पेस्ट जो है वो हम थोड़ा सा पानी मिलाकर ना फिर डालेंगे, आधा कप पानी मिलाकर फिर हम डालेंगे, ऐसे ही डालेंगे ऑयल में। उतना ही ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना है इसमें क्योंकि टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो हम उसको कवर कर देंगे। आफ्टर 5 to 6 मिनट्स हम आएंगे तो हमारी जो प्यूरी है टमाटर की और प्याज की वो तैयार होगी। फिर हम उसमें ऐड करेंगे मसाले जो कि हमारे पास है 1 चाय का चम्मच नमक, और इसमें जरूर भी डाल सकते हैं हम, आपको और लगे जरूर तो। 1/2 चाय का चम्मच हमारा ज़ीरा पिसा हुआ, 1 चाय का चम्मच जो है वो लाल मिर्चें हैं, 1 चाय का चम्मच काली मिर्चें हैं, 1/2 चाय का चम्मच हल्दी और 1.5 चाय का चम्मच जो है वो पिसा हुआ धनिया। ये हर घर में मौजूद होते हैं मसाले, आप इजीली डाल सकते हैं। घर के मसाले डाले हुए, कोई ऐसी चीज़ नहीं है पैकेट के मसाले कुछ भी डाले हुए। अब अच्छी तरीके से हमने इन मसालों को भूनना है। अब अच्छे तरीके से जो है ना हमने वो मसालों की भुनाई करनी है इसके अंदर। और जो भी प्लेट में या प्यारी में जिस मसाले निकालें आप, इस बात का ख्याल रखें कि जो भी मसाला अगर रह जाए उसके थोड़ा सा पानी, ज़्यादा पानी नहीं, उसको हाथ के हाथ जो है वो दोबारा इसमें डाल दें ताकि हमारे मसाले ज़ाया ना हो। अल्लाह हम सब की रिज़क में बरकत डालें। अब आते हैं जी, ये मगज़ है, ब्रेन मसाला भी कहते हैं उसको, भेजा भी कहते हैं, आप जो मर्जी कह रहे हैं। ये मैंने वॉश किए आम टैप की पानी से, नो गर्म पानी। गर्म पानी में जो हम बॉयल करते हैं ना, ज़ाया नहीं होता उसमें और टेस्टलेस भी हो जाता है। आप ये करने टैप की पानी रखने, इसके अंदर वेस्ट निकालनी है। अब आप देखिए, जैसे ही हमारी जो है मसाला अच्छे तरीके से भुन जाएगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा, तो हम इसके अंदर यही जो है जो मगज़ है ये हम डाल देंगे इसके अंदर। ये अच्छे तरीके साफ़ होना चाहिए, वेस्ट निकालना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी ना मैं आपको लाजमी इसकी ना इसको धोना ही बताऊंगी, बहुत आसान है। अच्छे तरीके से हमने इसकी बनाई करनी है, इसको चूहा नहीं करना, हमने ऐसे ही बनाई करनी है इसको। हमने इसको अच्छे तरीके से जो है हमने मिक्स करना है ताकि जो मसाले हैं ना हमारे इसके अंदर, जो हमारे मांस के अंदर जो है वो रच जाए। उसके बाद 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसको कवर कर देना है, ढक देना है। 2 से 3 मिनट के बाद ज़्यादा देर नहीं रखना क्योंकि जल्दी बन जाता है। उसके बाद हमने लेने हैं 3 से 4 चम्मच जो है दही है लेनी है, या तो आप आधा कप का हिसाब रख लें या 3 से 4 चम्मच का, एज यू विश। वो दही अच्छे तरीके से फेंट के फिर डालनी है, ऐसे नहीं डालनी, फेंट के आपने उसको ऐड करनी है। उसके बाद आपने मतलब ढकना नहीं है इसको, उसके बाद इसका भुनाई का काम है। जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना अच्छा टेस्ट आएगा। और मैंने हरी मिर्च इसलिए शुरू में डाल दी थी क्योंकि हरी मिर्च आखिर में आती है ना, वो अक्सर लोगों के मुँह में आती है किसी की, और आपको तो आजकल मैदे का प्रॉब्लम है, किसी को हो रहा है सीना जल जाता है, तो आप हरी मिर्च डालें, स्टार्ट में डालें, एंड में डालें कोशिश करें, ठीक
है, अब हम जो है ना इसके अच्छे तरीके से खड़े खड़े मुलाई करेंगे और इसमें अदरक ज़्यादा डालना है, अदरक का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा करना है, लहसुन भी डालें अदरक ज़्यादा डालें क्योंकि ये बीफ में बना हुआ है तो आपको पता है बीफ की चीज़ों में अदरक ज़्यादा इस्तेमाल। तो इसी तरह मुलाई करेंगे, जब तक मुलाई करेंगे जब तक इसका ऑयल ऊपर आ जाए, जैसे जैसे इसका ऑयल ऊपर आएगा वैसे ही हम अपने गार्निश के लिए जो हमने हरा धनिया काटा हुआ है और अदरक बारीक बारीक काटी हुई है उसमें गार्निश करेंगे। बहुत मज़े की अपनी खुशबू आ रही है, वाह बहुत 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 मज़े की खुशबू आ रही है इसका। उम्मीद है कि मुझे पूरा पूरा यकीन है कि आप लोग को बहुत अच्छी लगी, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और मेरी रेसिपी कैसी लगी, आप लोगों ने मुझे ज़रूर 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 बताना है। होप यू गाइस लाइक माय वीडियो। आ चुकी जो है मेरी रेसिपी तैयार है, वाह बहुत 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 मज़े की है, माशाल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रेसिपी रेडी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।